लोकसभा चुनाव को लेकर देश की दिग्गज पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस नए चेहरों पर दाव खेल रही है और भाजपा पुराने प्रत्याशियों के साथ ही मैदान में उतरने का जोखिम उठा रही है। दोनों ही पार्टियां अपना सारा गुणा गणित लगाकर लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर रही है। इस दौरान कई सीटों पर वर्तमान सांसदों का टिकट काट कर नए प्रत्याशियों को उतारने का फैसला करने से पार्टियों को अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मुरैना श्योपुर सांसद सीट पर भाजपा थोड़ी परेशान चल रही है। यहां पर वर्तमान सांसद अनूप मिश्र का टिकट कटने और उनके स्थान पर ग्वालियर से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट देने से मुरैना की राजनीति उबल रही है। सुनने में ये भी आया है कि भाजपा से नाराज अनूप मिश्रा कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिस पर अनूप मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। सांसद अनूप मिश्रा मुरैना श्योपुर सीट से वर्तमान के सांसद हैं। भाजपा ने उनकी जगह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लोकसभा चुनाव में उतारा है, जिससे अनूप मिश्रा खफा चल रहे हैं। सुनने में आया है कि अनूप मिश्रा कांग्रेस के संपर्क में हैं और वे जल्द ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने वाले हैं। इस बात को हवा लगते देख अनूप मिश्रा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार से हूँ और भाजपा मेरी माँ है। माँ से कोई बदसलूकी नहीं कर सकता। पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। मिश्रा के बयान के बाद सारी अटकलों पर विराम लग गया है और वहीं भाजपा के ही बड़े नेता मुरैना के मेयर अशोक अड़गल भी टिकट न मिलने से नाराज हैं। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि भाजपा दीनदयाल उपाध्याय के कदमों पर नहीं चल रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे कि वे जल्द ही अपने 200 से ज़्यादा समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि अड़गल इस समय कांग्रेस के संपर्क में हैं। दिल्ली में रामनिवास रावत के साथ उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हुई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची में मिश्रा का नाम काट दिया गया है। उनकी जगह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है। तोमर पिछली बार ग्वालियर संसदीय सीट से सांसद बने थे। वहीं 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भितरवाड़ विधानसभा से अनूप मिश्रा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वे कांग्रेस के लाखन सिंह यादव से हार गए थे। अनूप मिश्रा का कद पार्टी में छोटा होता चला जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। इधर बताया जा रहा है कि भाजपा ने नाराज नेताओं मान मनोबल शुरू कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने नाराज चल रहे नेताओं मुरैना महापौर अशोक अड़गल, शहडोल से सांसद ज्ञान सिंह से अलग अलग बात की। अशोक अड़गल और ज्ञान सिंह के मामले में राकेश सिंह का कहना है कि कोई नाराज नहीं है, अंत में सभी पार्टी का ही साथ देंगे। टिकट वितरण के दौरान सभी उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन टिकट सबको नहीं मिल पाता तो वे आहत होते हैं। सब समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी सबसे पहले है।